हर महीने एक आप लोगों से रूबरू होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो कोशिश ये रहेगी कि स्टार्टिंग दिस मंथ दिसंबर से स्टार्ट करके और वो हर महीने आप लोगों से रूबरू होके और जो भी मुख्य बातें हैं विषय हैं जिस पर कुछ चर्चा कर सकें, आपको कुछ जानकारी दे सकें। तो इस बार आप लोगों से स्टार्ट करते हैं जी। पहले मैं थोड़ा सा जो मेन उद्देश्य है आज का वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा जो सीजन है इस बार का खरीफ का वो ओवर हो गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पराली जलाने का ये एक इशू काफी पुराना है और अभी भी प्रेवलेंट है, लेकिन केसेस थे एक्टिव फायर रोटेशन जिन्हें कहते हैं वो इस बार हमारे 334 है। दैट मीन्स इसमें 33.9 ऑलमोस्ट 34% की इसमें गिरावट आई है और ये जो गिरावट है थ्रू आउट आप पूरे जिले में अगर आप देखें तो ये सभी ब्लॉक्स में आई है, मतलब ऐसा नहीं किसी एक जगह आई है। जैसा कि अगर मैं बात करूं जीन की तो 27.6%, जुलाना 37.37%, अलेवा में 47.5%, उचाना 37.4%, नरवाना 30%, पीलूखेड़ा 26%, सफीदा 26%। तो टोटल ये 33.9 यानी कि 34% की इसमें गिरावट है जो एक सब्सटेंशियल है। इसके साथ साथ एक अच्छा विषय ये भी है कि जैसे हमारी जो पिछले बार हमारी तीन कैटेगरीज होती है ग्रीन येलो और रेड, तो जो हमारी रेड कैटेगरी थी 24 गांव इसमें थे, इस बार वो 5 रह गए हैं 24 में से। उनमें से पिछले बार तो 24 गांव में से 8 गांव ऐसे हैं जो ग्रीन कैटेगरी में आ गए, यानी कि दो केसेस से भी कम इन विलेजेस में मिले। और हमारे 24 में से 5 मैंने बताया जो रेड ही रह गए, ग्रीन में 8 आ गए हैं और येलो में 11 है। तो ये इसका पूरा जो श्रेय है ये मैं हमारे सारे ही एसडीएम साहिबान को देना चाहूंगा जिन्होंने दिन रात करी और उसमें उन्होंने डिस्पाइट हमारे पास सप्लाई चेन के इश्यूज रहे, हमारे जीन बायो एनर्जी करके कंपनी थी इन्होंने हमें कुछ खास सपोर्ट नहीं किया, हमारे बेलर्स के इशू भी रहे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी ऑड्स हर प्रकार की समस्याओं से जूझते हुए एसडीएम साहिबान मेरे सामने आई थी कि हमारे पूरी स्टेट में जितने केसेस थे एक दिन के क्या था एग्जैक्टली अगर आप बता पाए तो जैसे हमारे 54 केसेस थे एक दिन में, पंजाब में 2056 केसेस थे। तो ट्रेडिशनली जो है मल्टीट्यूड जो है पराली जलाने का हमेशा से ज्यादा रहा और क्योंकि ये पंजाब के एसडीएम नरवाने में इसमें मेहनत भी काफी करी है, इसको पर भी कुछ बाकी है जिसको हमारी कोशिश रही है अगली बार हम इसको और कम करें। स्टाफ किया है कौन सा जो आया नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर नहीं अवेयरनेस प्रोग्राम का बताना चाहूंगा 300 विलेजेस का है जो जीन में जितनी हमारी ग्राम पंचायत है हमने सभी ग्राम पंचायतों में इसमें प्रोग्राम किए थे और इन सभी ग्राम पंचायतों को कम से कम 3 बार हमने अप्रोच किया है विभिन्न प्रोग्रामों को करते हुए। कुछ एक जो हमारी ग्राम पंचायत जहां ज्यादा इश्यूज थे हमने 3 से ज्यादा बार भी उनको अप्रोच किया, बट मिनिमम 3 बार तो हमने सभी 300 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम किए हैं। देखिए 2 इशू है इस टीम में कार्य करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ से एक सिंगल बिल भी जाकर मेरी जानकारी नहीं ली तो हमने इसके बारे में सरकार को भी अवगत कराया था और सरकार उसमें आवश्यक जो भी कार्रवाई वो करेगी। उसके बाद हमारा सीएचसी के साथ भी हमने एक सजेशन ये भी सरकार के सामने रखा था, सबमिशन था हमारा कि जब हम कोई कोई किसान प्राइवेटली या फिर सीएचसी जो होती है उसके माध्यम से अगर कोई बेलर लेता है सरकार उसको सब्सिडी देती है, लेकिन जब एक बार बेलर ले लिया और सब्सिडी ले ली उसके बाद हमारा बहुत कुछ बहुत कंट्रोल बहुत हद तक उनके ऊपर नहीं रह पाता, अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा अनुसार या अपने हिसाब से जो उनका सिस्टम होता है वो बेलर आगे किसानों को पहुंचाते हैं। तो वहां हमारा थोड़ा सा कमी रही है जिसके मुझे लगता है जो हमारे केस जो 334 आया ये भी इसी कारण वर्ष आया कि बेलर्स का इंश्योर नहीं कर सके पूरे तरीके से और किसान मेरा मानना है कि जब ज्यादा सीरियस केसेस मिले उसके अलावा हमने 6,40,000 रुपए जो हमने चालान किए हैं 273 जिसमें हमने 6,40,000 फाइन जो है ये हमने भरवाया है और ये हमारे पास एक्चुअली पैसा
के खाते में आ भी गया है भी प्लान किया हुआ है, क्योंकि सीजन अभी रिसेंटली एंड हुआ है, संकल्प यात्रा हमारी चल रही है, उसमें हमने जिन पंचायतों ने इसमें बहुत ज्यादा काम किया है, जो कन्फ्रेंस ने और गांव के लोगों ने काम किया है, उनको प्रस्ताव भी करने का इसमें प्लान किया, तो उनको जल्दी अमल में लिया है। लेकिन सब्सिडी एक बार दे दी जाती है, और प्रशासन का किसी भी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से दी जाए, एक बार में नहीं ना दी जाए, सोचना परफॉर्मेंस भी सीएचसी का या इंडिविजुअल ये देखते हैं परफॉर्मेंस, ये तो सब्सिडी सरकार से ले रहा है, तो वो परफॉर्म उसका हमारा उद्देश्य क्या है सब्सिडी देने का, कि लोग इस बेलर को यूज करें, इससे बेल्स बनाए और पराली ना चले, लेकिन अगर फिर भी पराली चल रही है तो हमारा कुछ ना कुछ कंट्रोल था उस पर होना चाहिए, और हमारा परफॉर्मेंस हमें किसान की देगी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो इसमें हमने सजेशन हमने ये रखा है कि इसमें चरणबद्ध तरीके से दी जाए और इवैल्यूएट करके दी जाए समाधान कर सकें। ठीक है सर, मैंने पूरे स्टेट का तो एनालिसिस नहीं किया है, जीन का है, तो मुझे लगा कि आपने एक सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा है, जीन का एनालिसिस किया है, लेकिन मुझे लगता है 33% 34% जो है वो एक अच्छी गिरावट है, मुझे आप थोड़ा डिटेल सब अपना बता पाए सभी को, थोड़ा प्रश्न प्रकाश डाल पाए। मार्गदर्शन में दिशा निर्देश में कृषि विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से इस साल के पराली सीजन का काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, स्टॉक मैनेजमेंट तो 34% की एक सिग्निफिकेंट गिरावट आपके सामने, यानी एक तिहाई मामलों में गिरावट आपने देखी है, 2022 में जैसे 505 मामले पाए 34 है, तो एक तिहाई मामले व्यापक जागरूकता है जिला हो गए, उसमें दूसरे विकल्प उपलब्ध है, उसी का नतीजा है कि ये कर लेंगे जो भी स्टेट वाइज जी थे 2022 में 303 कोई एवरेज आ गया एक ढाई के आसपास हमारे ज्यादा ही मिलेगा, जीने में 30% हमारा 34% और एसडीएम साहब का जिला प्रशासन का सहयोग में मिलते किसानों को हम विकल्प उपलब्ध करा सकें, सप्लाई चेन इश्यूज मटेरियल अगर इस प्रकार की उसी की बात में जीन बायो हमने देखिए सप्लाई से हमने कोशिश जो इन्होंने हमसे पहली मीटिंग में उस कंपनी ने हमसे ये बात कही, हमने इनको जगह जगह जैसे नरवाना में सफीदों में जगह जगह उस भूमि उपलब्ध कराई थी, सो दैट आप पंचायतों में फ्री उत्पादन भी दी, लेकिन इन्होंने कोई बेल ही नहीं खरीदी, तो हमारे लिए समस्या वहां से उत्पन्न होनी चालू हुई थी,
सब्सिडी का भी कुछ देखिए ना, सब्सिडी का इनका बेसिकली क्या है, सरकार का इनसे एक अग्रीमेंट है, मेमोरेंडम इनका चल रहा है अभी, इनफैक्ट अग्रीमेंट भी कंप्लीट नहीं है, जिसमें ये सरकार को उस पराली से बिजली उत्पन्न करके बेचना चाहेंगे। तो उसका यूनिट का जो कॉस्ट है उसका निर्धारण का एक इशू है। सरकार कहती है कि हम 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेंगे, कंपनी चाहती है 8 रुपए पर खरीदा जाए। तो हमने यही सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत किया था कि जब भी इनका इसका यूनिट का रेट का निर्धारण हो, इस बात को जरूर मद्देनजर रखा जाए कि इन्होंने जींद में प्रशासन को किसी को सपोर्ट प्रदान नहीं किया, किसी किसान को कोई सपोर्ट प्रदान नहीं किया। तो जब भी वो निर्णय होगा तो इसको कंसिडर किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। एक और बताता हूँ, हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा बारे में साफ भी करना चाहता हूँ। ये एक स्कीम जो है भारत सरकार की है, जिसमें सभी पूरे भारतवर्ष में हर ग्राम पंचायत में एक वैन के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार की जो स्कीम, और इसमें भारतीय भारत सरकार की जो स्कीम्स, उसके साथ साथ जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की प्रदेश सरकार की जो स्कीम्स है, इनको भी हम जनमानस तक पहुंचा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ये रहता है कि बेनिफिशरीज की लिस्ट, लाभार्थियों से भी हम एक वो उनका भी जैसे एक्सपीरियंस जो है वो भी साझा कर रहे हैं। ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन जो एग्रीकल्चर विभाग के मार्फत ये चल रहा है, इसमें जो पहला जो फर्स्ट डे इसमें 30 तारीख को हमारी स्टार्टिंग हुई थी, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसमें जनमानस को संबोधित किया था, और 5 स्टेट्स में अलग अलग बेनिफिशरी से उन्होंने बातचीत भी करी थी। एक काफी बड़ा प्रोग्राम है जिसको हमारा 24 जनवरी तक ये चलना है, जिसमें हम सभी 300 हमारी जो ग्राम पंचायत है जिले में उनको कवर करना है, और एक दिन में हम 2 ग्राम पंचायत कर रहे हैं कवर। तो इसमें ये अभी भी एज ऑफ नाउ भी ये चालू है, और मेरा आपसे आग्रह ये भी रहेगा कि आप इसको भी कवर करें थोड़ा, क्योंकि आपके माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचती है, और लोग इसमें वीडियो जो है हमारे ब्लॉक के नोडल अधिकारी हैं उस पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए, और उस दिन के लिए भी उस नोडल अधिकारी मौजूद हैं। इसमें पहले ही गांव में शेड्यूल के अनुसार मुनादी कराई जाती है, लोगों को बुलाया जाता है, और हमारी कुछ बेनिफिशियरीज की लिस्ट भी आती है, कुछ लोग लाभ ले चुके हैं और जिन लोगों को लाभ मिलना है ये जानकारी हमारे पास आती है, हम उन्हीं को बुलाते हैं, और भी उनको बुलाते हैं, कोई गाँव में कोई अच्छा खिलाड़ी है उसको पुरस्कृत करना, बच्चों ने स्कूल में कुछ अच्छा कार्य किया है उनको पुरस्कृत करना है। इसमें एक प्रधानमंत्री जी की ओर से भी एक ओथ है, इसमें एक शपथ भी है, जिसमें ये शपथ हर प्रोग्राम में जो है जितने भी मान लोग होते हैं उनको दिलाई जाती है, खासकर स्कूल बच्चों को भी शपथ दिलाई जाती है, और इसी प्रकार से लोग विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगते हैं, किसी का कोई इशू है तो परिवार पहचान पत्र का किसी का कोई इशू है तो एडी साहब के मार्फत से उसमें एक स्टॉल लगाया जाता है और उनको रिजोल्व करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे हमारे कुछ का एलपीजी का कनेक्शन है, किसी का आधार कार्ड का कोई दिक्कत है, इस प्रकार का आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, जो सरकार की विभिन्न स्कीम है। कल्पित भारत विकसित भारत का जो आप जी किस प्रकार से पहली बात मैं कहूंगा कि वो अलग नहीं है, पहले जो बिल जो होता था वो स्टैटिक होता था, वो अलग है, उसका कार्ड मिसर रहता था लंबे टाइम तक। अब तो इसमें जैसे ही चेंज आता है तो इसमें बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, जैसे किसी का कोई इम्प्लॉयमेंट मिल गया एचकेआर में तुरंत उसका बीपीएल कट जाएगा, किसी ने फोन वीडियो टाइम मिल गया तुरंत कट जाएगा उसका, किसी ने एचकेआर भरा तुरंत कट जाएगा। ये बहुत रेशनल है, इसमें बिल्कुल